आज बच्चे हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे है ना। मैं एक बार देखिए फोर ब्रेन खत्म हो गया, एक बार शॉर्ट रिव्यू कराता हूँ फोर ब्रेन का। देखो आप लोग भी जब भी कभी फुर्सत में बैठे रहो ना तो फोर ब्रेन को रिवाइज कर लिया करो, 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है ठीक है। फोर ब्रेन देखो हम ना चीजों को धीरे धीरे पढ़ाते हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं ताकि आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए चीजें ठीक है। लेकिन जब आप उस चीजों को बैठ के खुद से रिवाइज करोगे ना तो काफी क्विकली रिविजन कर सकते हो बैठे बैठे। हाँ सर बताए थे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है क्या आपका डायन्सेफलन। ऑप्टिक लोब में तो कुछ भी नहीं है, वो तो सेकंडों का काम है। क्या है ऑप्टिक लोब? रिड्यूस्ड है मैंने में तो मैंने में तो रिड्यूस्ड फॉर्म में है वो, उसका काम ही नहीं है कुछ। कहाँ पाया जाता है बस इतना ध्यान रख लेना, सेरेब्रम का फ्रंटल लोब के नीचे 1 पेयर मिलता है, बीन शेप्ड होता है, बस दैट्स ऑल, खत्म चला खत्म। और ये हमारे अंदर ऑल्फैक्शन में कोई खास रोल रखता भी नहीं है। तो हमारे अंदर ऑल्फैक्शन में काम कौन आता है? सूंघने के लिए सेंसेशन में काम कौन आता है? उसके लिए काम आता है सेरेब्रम का टेम्पोरल लोब में मौजूद ऑल्फैक्टरी एरिया, नॉट लोब, एरिया। तब बस हो गया। फिर आए सेरेब्रम, दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का सेरेब्रम। सेरेब्रम को हमने कहा कि उसको स्ट्रक्चर के बेसिस, अच्छा हमने क्या कहा, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का ठीक है। बड़े मियाँ कहते हैं जिसको, याद करो, बोले थे बड़े मियाँ, ये सेरिबेलम को बोलेंगे छोटे मियाँ ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है। और दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर पाए जाते हैं और उन दोनों को जोड़ने वाले फाइबर होते हैं, जो कर्व्ड पार्ट होता है फाइबर का, वो कहलाता है क्या, कॉर्पस कैलोसम। हालांकि वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, व्हाइटिश कलर का होता है और वो दोनों सेरिब्रम हेमिस्फेयर के बीच में कनेक्शन का काम करता है, फास्ट कंडक्शन कराता है दोनों के बीच। ये काम है किसका, कॉर्पस कैलोसम का। खास बात, कॉर्पस कैलोसम केवल मैमेलियन ब्रेन में मिलेगा, यूनिक फीचर। ये हो गया। फिर हमने कहा कि ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर का 4 लोब होता है, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। हमने कहा हर लोब में कुछ कुछ एरिया है, जैसे फ्रंटल लोब में 5 एरिया याद आ रहा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, जनरल मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और ब्रोकास एरिया। सबका अपना अपना काम है, ये सब हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स के बने होते हैं बच्चे। जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया किस काम में आता है, इंटेलिजेंस है, आइडिया है, नॉलेज है, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, दैट मींस टू मेक अ डिसीजन, मेमोरी है, इन सब चीजों में वो काम आता है। रीजनिंग है, किसी भी चीज का कारण पता करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, तो इन सब चीजों में वो काम आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। फ्रंटल आई फील्ड, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये आंखों के पलक झपकने में काम आता है, वो सेंसेशन भेजता है। ब्रोकास एरिया जो अभी हम बोल रहे हैं, अगर ब्रोकास एरिया खराब हुआ इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल नहीं पाएंगे ये एक अलग मैटर है, इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सब कुछ देंगे हम अगर ब्रोकास एरिया मेरा खराब होता है। ये हो गया। फिर इसके अलावा जनरल मोटर एरिया हमारे बॉडी का वॉलंटरी एक्टिविटी को वही रेगुलेट करता है। प्री मोटर एरिया जब हम लिखते हैं और आंखों का और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वही उसी में काम आता है वो प्री मोटर एरिया, क्योंकि मोटर के पहले लोकेटेड होता है इसलिए टाइम प्री मोटर एरिया। हो गया, फ्रंटल लोब खत्म, छोटे छोटे पार्ट है। फिर आओ उसके बगल में पैरेटल लोब, पैरेटल लोब में 3 एरिया है, गैस ऊपर उड़ता है ना, गैस ऊपर वाला पार्ट, गैस, गस्टेटरी एरिया, एंगुलर गाइडस और फोमेस्थेटिक एरिया। गस्टेटरी एरिया किस चीज में काम आ रहा था याद करो, गस्टेटरी एरिया टेस्ट एनालिसिस में काम आ रहा था, हमारे टंग पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो भेजते हैं वहां से मैसेज हमारे ब्रेन के सेरेब्रम, तब पता चलता है मटन है, खीर है, फलना है तो टिकना है, ये गोलगप्पा है, मोमो है, बर्गर है, तब पता चलता है। कस्टेटरी एरिया जब वहाँ रिकॉग्नाइज करता है तब ठीक है। इसके अलावा जो है उसके बगल में एंगुलर गाइडस, ये किसी का राइटिंग को पहचानने में मदद आता है ठीक है। इसका समस्थेटिक एरिया, जनरल सेंसेशन जैसे कि टच है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब चीजों में जो काम आता है कि कुछ हुआ है, स्किन इसका सेंसरी ऑर्गेन है तो उसके लिए काम आता है समस्थेटिक एरिया। हो गया, पीछे की तरफ एक ही तो एरिया है सेरेब्रम में, ऑक्सीपिटल लोब में एक ही एरिया है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, और उसका क्या काम है, विजन में हेल्प करना है। सेंसरी ऑर्गन क्या, आई है, देखते हैं इमेज जो बनता है वो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया बनवाता है, इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ भाई ये है ठीक है। इसके अलावा नीचे में आ जाइए टेम्पोरल एरिया, उसमें 3 है, वाओ याद आ रहा है, वर्निक्स एरिया, ऑडिटरी एरिया और ऑलफैक्टरी एरिया। वर्निक्स एरिया वर्ड एनालिसिस में, डब्ल्यू फॉर वर्निक्स, वर्ड डब्ल्यू फॉर वर्ड, वर्ड और लैंग्वेज, लैंग्वेज भी तो वर्ड से ही बनता है भाई, ऐसे थोड़ी होगा, लैंग्वेज तो वर्ड से बनता, वर्ड एनालिसिस में काम आएगा, क्या बोला है इसमें काम आएगा। अच्छा आपको जब आप एमयूएस में पढ़ोगे तो कई सारे बातें, एक बात ये समझ में आ गया, देखो हम क्या बोलेंगे इसके लिए ब्रोकास एरिया जिम्मेवार है, मतलब कि सॉरी हम जो बोलेंगे बोल रहे हैं, ब्रोकास एरिया मैसेज भेज रहा है,
लेकिन बोलना क्या है, लैंग्वेज, उसके लिए भी वर्निक्स सही आइटम आएगा। मतलब सामने वाले ने जो बोला उसका भी लैंग्वेज एनालिसिस वर्निक्स ही करेगा, और हम जो बोलेंगे, जैसे मान लो कि हमको कोई बोला, कोई सवाल किया, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल सवाल है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन, तो अब मुझे पता है इसका आंसर तीन है, लेकिन मुझे तीन केवल नहीं बोलना है, बोलना है फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो ये जो मैंने लैंग्वेज बनाया, लैंग्वेज मन ही मन बनाया, वो हमारे वर्णिक सरिया ने बनाया। और फिर वर्णिक सरिया प्रकाश, वर्णिक सरिया को बोला प्रकाश एरिया ने, क्या भाई कुछ बोलवाना है, बोलो जल्दी से क्या बोलना है। वर्णिक सरिया ने बोला कि बोलो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो उसने एक लैंग्वेज बनाया, एक कोड बनाया, एक लैंग्वेज बनाया। फिर ब्रोकास एरिया ने उसी लैंग्वेज को लिप मसल पर और टंग मसल पर भेजा कि तुम बड़बड़ बड़बड़ ऐसे करो और ये साउंड निकाल दो, तो ऐसे होता है। तो वर्णिक सरिया का काम है वर्ड एनालिसिस, और ऑडिटरी एरिया का काम है सामने वाले ने जो बोला है एटलीस्ट पता चल जाए कि कुछ तो आवाज आया है, साउंड एनालिसिस, नॉट वर्ड एनालिसिस, साउंड एनालिसिस। जैसे अभी अब मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें पता चल रहा है कि मैं हूँ, तुम रमन सर का क्लास में अब उनका आवाज सुन दो, अभी बगल से गाना बजने लग जाए तो पता चलेगा कि किसका गाना है, पता चला कि तो माधुरी दीक्षित गा रही है, पता चला कि तो कौन गायक गा रहे हैं, सोनू निगम गा रहे हैं, तो ऐसे करके, तो उनका एक स्पेसिफिक आवाज जो साउंड है, हाँ क्या गा रहे हैं वो वर्णिक सरिया पहचानेगा, पता चला उधर लता मंगेशकर गा रही है भारत देश है मेरा ऐसा कुछ, तो वो बाद में पता चलेगा गा रही है भारत देश है मेरा, लेकिन वो गा रही है उसका आवाज है ये बात तो ऑडिटरी एरिया ही पहचान लेगा, ये तो लता मंगेशकर, लेकिन क्या गा रही है लता मंगेशकर वो वर्णिक सरिया। ऐसा थोड़ी है कि वर्ड एनालिसिस करा वो और साउंड कोई भी एक के जैसा लगेगा, नहीं, अब हनी सिंह का अलग साउंड लगेगा, बादशाह का अलग लगेगा, तो ये बात तो वर्णिक सॉरी ऑडिटरी एरिया ही पहचान लेगा साउंड क्या है। टीवी का आवाज अलग होगा, मोबाइल का आवाज अलग होगा, रेलगाड़ी का आवाज अलग होगा, तो इसके लिए तो ऑडिटरी एरिया जिम्मेवार है, तो ऑडिटरी एरिया साउंड एनालिसिस कर देगा, लेकिन बोला क्या गया है ये बात एनालाइज कौन करेगा, और वो वर्ड वाला मतलब वर्णिक एरिया, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन था, ऑल्फैक्टरी एरिया, इसका तो काम पहले बता दिया, सूंघने में काम आएगा, कैसा महक रहा है, क्या स्मेल है, खुशबू है या बदबू है, इस सब चीज में कौन काम आएगा, ऑल्फैक्टरी। ये सेरेब्रम खत्म। अच्छा, सेरेब्रम में इंपल्स के डायरेक्शन के बेसिस पे तीन एरिया, सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर, याद आ रहा है, सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर। सेंसरी क्या करेगा, रिसेप्टर से सेंसरी इनपुट को रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा। एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करके एक कॉमन डिसीजन लेगा अर्लियर एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। और मोटर एरिया क्या करेगा, इंपल्स बनाएगा और भेजेगा वॉलंटरी ऑर्गेन को या जो भी इफेक्टर ऑर्गेन है, यही है सेरेब्रम खत्म, और कुछ नहीं था सेरेब्रम। फिर हमने आया डाइनसेफलॉन पे, देखो ऐसे मन में रिवाइज करते जाओगे ना पूरा एकदम चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हमने आया डाइनसेफलॉन पे, डाइनसेफलॉन का तीन पार्ट है, हमने कहा डाइनसेफलॉन एक चैम्बर है, ऊपर का छत बना रहा है एपिथैलेमस, दीवार में ऊपर का पार्ट दीवार बना रहा है थैलेमस, और नीचे का दीवार बना रहा है हाइपोथैलेमस, और बेस भी बना रहा है हाइपोथैलेमस। हमने कहा एपिथैलेमस कॉर्पस कॉलोसम के साथ मिलके दीवार बनाता है, और एपिथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट पे छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, ठीक है, वो हमारे दिन और रात का एहसास दिलाता है, 24 आवर का जो क्लॉक सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, कौन, पीनियल बॉडी। फिर हमने कहा एपिथैलेमस में इतना ही और कुछ नहीं है। फिर हमने कहा थैलेमस, थैलेमस जो मेजर कोऑर्डिनेटर है, रिले सेंटर भी कहते हैं, रिले सेंटर का मतलब समझ में आता है क्या होता है, रिले का मतलब क्या होता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते थे रिले और डिले एक ही चीज है क्या, अरे नहीं, रिले का मतलब होता है, डिले तो उसको कुछ ले बोला कि वो आया वहां से होके गया, ये नहीं होता तो इतना देर नहीं लगता। रिले सेंटर का मतलब होता है एक तरीके का, समझो कि समझो ना कोऑर्डिनेटर, एक तरीके का रिले इज अ सिनोनिम फॉर कोऑर्डिनेटर। जो सेंसरी इनपुट आया पहले वो थर्मस के पास आया, फिर गया सेरेब्रम में, फिर वहां से होके गुजरा मोटर इंपल्स, तो एक तरीके का कोऑर्डिनेटर है। कोई भी इंपल्स को अंदर जाना है तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, थैलेमस को होते हुए जाना है, थैलेमस हमारे सेंसरी इंपल्स को लेगा और आगे साहब को देगा सेरेब्रम को, फिर सेरेब्रम एक मैसेज बनाएगा और वो देगा किसको, थैलेमस को, साहब का आदेश आया है, फिर वो आगे भेजेगा। तो एक तरीके का ये मुंशी का काम कर रहा है, एक तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये है रिले सेंटर, ठीक है, और ये थैलेमस में इतना ही था और क्या, मैं ज्यादा थैलेमस में और कुछ था भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे में जो देखे वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में बहुत सारी बातें थी,
हाइपोथैलेमस का बाद अपना कुछ न्यूरॉन होता है जो हार्मोन बनाता है, बहुत स्पेसिफिक बात है, उसको बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन जो रिलीज होता है, और उस न्यूरॉन को बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। कुछ खास हार्मोन बनाकर रिलीज करते हैं जिसका जिक्र हम करेंगे एंडोक्राइन, जैसे कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन बनाते हैं एडीएच एक्सीटोसिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन नॉट एक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ठीक है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन बनाते हैं रिलीजिंग हार्मोन, मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी को आदेश देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये तो उसके हार्मोन मतलब न्यूरॉन होते हैं कुछ। इसके अलावा कुछ न्यूरॉन के ही कुछ पर्टिकुलर जगह होते हैं, सेंटर होते हैं, थर्स्ट के लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए, हंगर के लिए, सटाइटी के लिए, सब हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है। फिर हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट पे ऑप्टिक क्याज्मा होता है और पोस्टीरियर पार्ट पे कॉर्पस एल्बिकेंस होता है और मिडिल पार्ट पे खंभा होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम और उससे नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, ये सारा पार्ट होता है भाई साहब। फिर हमने कहा कि ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, हार्मोन डाल डाल के रेगुलेट करता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। और डायरेक्ट न्यूरॉन का कनेक्शन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ हाइपोथैलेमस का, तो कुल मिला के पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी हमारे सारे बॉडी को रेगुलेट करता है, तो पिट्यूटरी हुआ मास्टर और हाइपोथैलेमस उसका भी मास्टर, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर। हाँ क्या बाबू बोलो, क्या हुआ, अब इसका आवाज ही नहीं आ रहा, तुम क्या बताएं क्या हुआ इसको, कुछ उल्टा बोल देगा मैंने भाई। वहां का जो आवाज, हाँ बोलो बोलो बोलो, साउंड आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, बोलो ना सर। वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हाँ वो एंटीरियर को ना इनहिबिट करते हैं। हाँ तो एंटीरियर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों एंटीरियर को जाता है, तो सही तो है, आवाज ही नहीं आ रहा है। यस सर ठीक है, पोस्टीरियर को डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल करता है, एक लंबा सा न्यूरॉन होता है, एक लंबा सा न्यूरॉन होता है जो हाइपोथैलेमस से निकलकर डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इंपल्स के, नर्व इंपल्स के थ्रू रेगुलेट होगा, हाइपोथैलेमस उसको रेगुलेट करेगा नर्व इंपल्स के थ्रू, एक्सॉन के माध्यम से, लंबा सा एक्सॉन के माध्यम से, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन के थ्रू रिलीज करेगा, इसकी जिक्र हम डिटेल में करेंगे एंडोक्राइन में। ठीक है, कैसे करता है रेगुलेट, ठीक है, तो फाइनली जो है पिट्यूटरी हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, तो वो पिट्यूटरी हो गया मास्टर, और उसका भी मास्टर कौन हो गया, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कहा कि हाइपोथैलेमस का दो खास बात याद रखना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलकर हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है सेरेब्रम से, जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, उसके साथ मिलके ये हमारे बॉडी के, हमारे जो जनरल एक्सप्रेशन है, इमोशंस हैं, सेक्सुअल बिहेवियर है, इन सब बातों को रेगुलेट करता है, और इसी का जिक्र करेंगे अभी हम। तो वो कितना जल्दी रिवाइज हो गया, मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ तो 15 मिनट में आपका रिवाइज हो गया, 10 मिनट में, सॉरी क्योंकि तो मीटिंग का 21 मिनट हुआ है, 10 मिनट तो डाउट ही लिया था, 10 मिनट में रिवाइज हो गया। और अगर आप अपने मन में रिवाइज करोगे तो 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, पूरा फोर ब्रेन, अधारा बड़ा पार्ट फोर ब्रेन ही। ठीक है, आज मिड ब्रेन भी खत्म कर देंगे, फिर आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे। चलिए पहले आपको हम आप बताते हैं कि आखिर वो लिम्बिक सिस्टम क्या है। पता है लिम्बिक सिस्टम को हम लोग इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, कई बार बोला जाता है कि लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल ब्रेन। पहले समझते हैं व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम। आपको अगर याद हो तो मैंने सेरेब्रम का ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, अगर प्रॉब्लम है तो पीवी लिखिए, नहीं प्रॉब्लम है तो एनपी लिखिए सभी लोग, प्रॉब्लम है तो पीवी, नहीं है प्रॉब्लम तो एनपी सभी लोग। हर सपना साउंड चेक करो, ठीक है, अरे नेटवर्क चेक करो, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये है आपका सेरेब्रम, याद कीजिए ऐसा कुछ मैंने बताया था। ये सेरेब्रम, ठीक है, ये सेरेब्रम। अब मैं क्या कर रहा, अच्छा इसी में डाइन सिफलॉन अगर मुझे दिखाना हो तो
क्या मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे देखना, यहाँ पे यहीं पे होता है, यहीं पे, यहीं पे मान लो, ये मान लो कि तुम्हारा क्या है हाइपोथैलेमस, नीचे वाला पार्ट, ये मान लो तुम्हारा क्या है थैलेमस इस तरह से, और ये मान लो तुम्हारा क्या है यहाँ पे एपिथैलेमस, ठीक है, और यहीं पे मान लो क्या है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, जो इधर उधर के सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं यहीं पे, जैसे दो स्ट्रक्चर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी सेरेब्रम से एसोसिएटेड होता है इनर पार्ट में, देखो सेरेब्रम का आउटर पार्ट है, हेलो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, यस और नो, सेरेब्रम के इनर पार्ट अंदर की तरफ कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से एक नाम याद कीजिए, ऑल्फैक्टरी लोब का नाम मैंने पहले ही ले लिया है, वो यहाँ पे होता है, याद आ रहा है, ये ऑल्फैक्टरी लोब नाम लिख रहा हूं मैं, ये क्या भैया ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे याद करो, अरे अरे यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट पे, कोई नाम बताएगा इसका, कोई नाम बताएगा इसका, कॉर्पस एल्बिकेंस, क्या नाम है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये दो पार्ट आपको क्या लग रहा है कि सेरेब्रम के अंदर की तरफ से पार्ट है और डीपली सिचुएटेड पार्ट है, ये मैं अलग से क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब कॉर्पस एल्बिकेंस, हालांकि ये सब पार्ट, ये सब चीज डीजनरेटेड होता है, इसका ह्यूमन के अंदर कोई खास रोल है ये नहीं आज की डेट में, ठीक है। इसके अलावा तीन और स्ट्रक्चर जो हाइपोथैलेमस के आसपास होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कितने लोग सी हॉर्स का डायग्राम देखे हो, सी हॉर्स पता है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का फोटो कितने लोग देखे हो, अरे कई सारे लोग उसका टैटू भी बनवाते हैं, तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, सी हॉर्स जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, जाने इधर से निकल के और वो इधर तक आया होता है यहाँ पे ऐसे, जैसे वो सी हॉर्स का फिगर देखे होंगे, वो उसी तरीके का अपियरेंस देता है, मैं यहाँ पे उतना क्लियरली बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा जगह कंजेस्टेड है, तो ये मान लो कि उसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, और इसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस, क्या नाम होता है इसका, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और एक पार्ट होता है उसको मैं इधर बनाता हूँ, कहाँ पे बनाऊ, कहाँ पे यहाँ पे बनाऊ, यहाँ पे एक पार्ट होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अमैगडाला, एकदम काफी डीपली सिचुएटेड होता है, ठीक है, इसका नाम मान लो क्या है अमैगडाला, amygdala, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेप्टम, कहाँ पे बनाऊ, कहाँ पे, यहाँ पे बना दू, ये यहाँ पे मान लो, उसी के एकदम बीच में एक दीवार जैसा होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। हालांकि देखो ये सब हम लोग डायग्राम, रफ डायग्राम बना देते हैं, अगर आप इसका डिटेल एक्चुअल में एनालिसिस करोगे सीटी स्कैन वगैरह में तो इस तरीके का, क्योंकि वहां पे 3D बात होता है ना, तो हम लोग कहीं पे भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे सेप्टम। अब ये पांच चीजें जिसका ना मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखा, एक क्या ऑल्फैक्टरी लोब, एक क्या कॉर्पस एल्बिकेंस, और एक क्या अमिगडाला, एक क्या सेप्टम, और एक क्या हिप्पोकैम्पस, पता है हिप्पोकैम्पस, ये पांचों मिलके एक सिस्टम बनाता है, और उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिम्बिक सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको, लिम्बिक सिस्टम। तो ये पांच क्या हुआ, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, लेकिन इसके साथ ये इनर सेरेब्रम कॉर्टेक्स का पूरा पार्ट, इनर सेरेब्रम कॉर्टेक्स का पूरा पार्ट, मतलब कि लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन आएगा ध्यान देना, ये फाइव एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, फाइव एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्लस इनर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसका अंदर वाला पार्ट, और उससे फाइव एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं क्या, लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है, कुछ भी अलग से नहीं है, सेरेब्रम का ही जो इनर वाला पार्ट है, इनर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में भी इनर कॉर्टेक्स, वो और उसी के साथ एसोसिएटेड फाइव स्ट्रक्चर, पांच स्ट्रक्चर, जिसका क्या क्या नाम है बोलेंगे जल्दी से सभी लोग, ऑल्फैक्टरी लोब, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये पहले से बता रखा है, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस मत बोलो यार इसको, हिप्पोकैम्पल लोब बोलो, ये जानवर थोड़ी है, हिप्पोकैम्पल लोब, ठीक है, और सेप्टम, ये पांच स्ट्रक्चर और इनर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट मिलके कहलाता है लिम्बिक सिस्टम। क्या काम है आइए समझ,
हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम मिलके, ये रहा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को भूल तो नहीं गए भाई, ये रहा, हेलो, ये हाइपोथैलेमस है, भूल मत जाना, ये हाइपोथैलेमस है। तो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम पार्टनरशिप करके हमारे बॉडी का कुछ चीज को रेगुलेट करता है, और वो क्या है समझिएगा ध्यान, वो हमारे बॉडी का इमोशन है, वो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है, समझाएंगे अभी सब समझाएंगे, सेक्सुअल बिहेवियर है, मोटिवेशन है। अब देखिए इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे कैसे कैसे रेगुलेट करता है भाई, ये सब बहुत डीपली आप लोग को एमबीबीएस में स्टडी करना पड़ेगा, आखिर ऐसा कैसे, ये वो, ये तो एक आउटलाइन बता रहे हैं आपके नीट लेवल पर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट होता है वर्किंग के मैनर में, वर्किंग के मैनर में कोऑर्डिनेट होता है। और हमारे बॉडी के थ्री मेजर फंक्शंस कौन कौन भाई, इमोशंस, सेक्सुअल बिहेवियर और मोटिवेशन, इन तीनों को रेगुलेट करता है। जैसे इमोशंस में क्या आता है, इमोशन में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी को देखा मुस्कुरा दिया और भाई ठीक है, मैंने किसी को देखा गुस्सा आ गया, ये मनुष्य फिर से आ गया, ठीक है। जैसे आप लोग जब आप जब बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होता है सभी लोग, ये मनुष्य फिर से पढ़ाने आ गया, ठीक है। जब छुट्टी करते हैं तो मजा आ जाता है कि चलो भाई छुट्टी है, तो ऐसे आप लोग का इमोशंस आता है ना, क्लास स्टार्ट कर देना मास्टर आ गया फिर से फालतू में सुनाएगा, आज छुट्टी करते हैं लगता है आज अरे आजादी मिल गया, ठीक है। तो ये इमोशंस हुआ आपके लिए, जैसे किसी को गुस्सा आता है बहुत जोर से, किसी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा नहीं आता, हैप्पीनेस, लव, किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति नफरत, हेट, ये सब जनरल इमोशंस हैं। इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम मिलके। लिम्बिक सिस्टम में से भी कौन सा पार्ट इस समय काम आएगा, तो अमाइग्डाला। अमाइग्डाला क्या करता है, आपके जनरल इमोशंस को रेगुलेट करता है, किसको, जनरल इमोशंस को। इमोशंस में मैंने क्या क्या बोला फिर से सुनेंगे सभी लोग, जैसे हैप्पीनेस, जैसे सैडनेस, जैसे लव, जैसे हेट, जैसे एंगर। अच्छा रेज और एंगर में क्या अंतर है, किसी को पता है, रेज पता क्या होता है, भयानक वाला गुस्सा, भयानक वाला, और ये नॉर्मली अबे ऐसा क्यों करता है भाई, ये वर एंगर, रेज पकड़ के बहुत बुरी तरीके से, जैसे लखनऊ गर्ल, उसको एंगर नहीं आता, उसको एंगर आता तो इतना मामला थोड़ी बढ़ता, उसको क्या आता है लखनऊ गर्ल को, रेज, उसको जब भी कुछ होता है तो रेज ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ भयानक वाला गुस्सा, तो ये सब उसका हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी है, उसका हमेशा गुस्से आता है, उसके जिंदगी में ये चीज और ये चीज है ये नहीं है, उसके जिंदगी में ये चीज और ये चीज है ये नहीं है, ना कभी वो खुश होगी और ना कभी उसको किसी से प्रेम होगा आज तक, ठीक है। वो सबसे नफरतें करती है खाली, हमेशा उदासे रहती है, जिसको देखती है उदासे रहती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आप ये समझिए अमाइग्डाला और हाइपोथैलेमस मिलके इमोशंस को रेगुलेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल बिहेवियर। देखिए एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है लिबिडो, इस वर्ड को समझ लो, आगे नहीं बताऊंगा फिर। लिबिडो, लिबिडो का मतलब पता क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन। एक बात बताओ, इन जनरल सेक्सुअल अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के लिए होता है या सेम सेक्स के लिए, इन जनरल अपोजिट सेक्स के लिए होता है, सेम सेक्स में थोड़ी ना मेल और मेल में थोड़ी ना सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, नहीं होता। लेकिन क्या आप हर फीमेल के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन शो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं आप तो इन सब चीज को क्लियर कर समझिए, आप अपने मदर, आप अपने सिस्टर, आप अपने डॉक्टर, आप अपने नाना सॉरी नानी, मतलब आपके फैमिली में जो फीमेल मेंबर है क्या उसके प्रति कभी सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, उनके प्रति एक अलग रिलेशन है हमारा। लेकिन भाई हमारी वाइफ आ जाए तो उसके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, तो हमें कौन बोलता है कि हमारी वाइफ है इसके लिए हमारा सेक्सुअल अट्रैक्शन होना चाहिए, और हमें कौन कहता है कि हमारी मदर है, ये हमारी सिस्टर है, ये हमारी नानी है, ये हमारी मौसी है, ये हमारी भाभी है, ये कौन कहता है, ये हमारा सेप्टम कहता है। और सेप्टम और हाइपोथैलेमस मिलके हमारे सेक्सुअल बिहेवियर जिसको बोलते हैं लिबिडो, मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स। लेकिन अपोजिट सेक्स के लिए केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन आना ही अपने आप में सही नहीं है,
किसके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन आ रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये लोग जो लोग रेप कर देते हैं, छोटी छोटी सी बच्ची घटना सुनते हो गए, 1-1.5 साल बच्ची का रेप हो जाता है, इवन 6 महीने तक की बच्ची का रेप हो जाता है, इन सब ये सब कौन लोग हैं? इन लोग का हाइपोथैलेमस इनके कंट्रोल में नहीं है। हाइपोथैलेमस तो हमारे भी कंट्रोल में है, लेकिन उसका हाइपोथैलेमस बहुत बुरी तरीके से प्रभाव दे रहा है। जिसके मन तिसके लिए लिबिडो, बताओ 2 महीने 6 महीने बच्ची का क्या लिबिडो के लिए रिस्पॉन्स होगा? उसके लिए लिबिडो क्या है? ये तो हाइपर एक्टिविटी हो गया। तो वो सब एक अलग केसेस है, उसका उस तरीके से स्टार्टिंग से परवरिश हुआ है कि वो ऐसे कामों को अंजाम दे सकता। हम आप ऐसे काम को अंजाम नहीं दे सकते। हम आप लिबिडो केवल और केवल पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही दिखा सकते हैं, जिसको हमारे लिए जिसको हमारे लिए ऐसा बोल दिया कि आपका रिश्ता इसके साथ ऐसा है, लेकिन शादी करा दिया गया, तो अब केवल उसी के लिए लिबिडो होगा और किसी के लिए नहीं होगा दुनिया। बाकी सबको हम या तो फ्रेंड समझेंगे, या तो माता समझेंगे, भाभी समझेंगे, चाची समझेंगे, मौसी समझेंगे, नानी समझेंगे, काकी समझेंगे, बहन समझेंगे, यही समझेंगे। दुनिया में सबको तो वाइफ नहीं समझते पूरेंगे। तो ये है लिबिडो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में सेफ्टम के हाथ में। देखिए एक बात जान में समझिए, लव और लिबिडो अलग चीज। लव हम अपने बहन से भी करते हैं, लव हम अपने बेटी से भी करते हैं, लव हम अपने दोस्त से भी करते हैं, हम अपनी मदर से भी करते हैं, हम अपने फादर से भी करते हैं। लव का मतलब सिंपली है अ स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फॉर अ इमोशनल रिलेशनशिप। नहीं यार, ये तो मेरा छोटा भाई है यार, इसको मैं जितना केयर कर सकता हूं करूंगा। ये लव है, ये प्यार है, ये प्रेम है, ये स्नेह है। लेकिन लिबिडो वहां पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाना है सेक्स ऑर्गेन को, वो है लिबिडो। हाँ, ये बात है कि जिसके लिए आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं वहां पे लव का होना जरूरी है, बिना लव के लिबिडो जनरली नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सब बातें अलग अलग चीजें, सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके समझने के प्रयास कीजिए। लव हम किसी भी रिलेशनशिप में प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे किसी टीचर के साथ। जैसे मेरे लाइफ में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मेरे लाइफ में एक बॉटनी का टीचर है, एक जूलॉजी का टीचर है, जिनको मैं बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ। मतलब मैं मानता हूं कि उन्होंने ही मेरा जिंदगी बनाया है, तो ये प्यार है मेरा गुरुदेव के लिए। आप में से भी कुछ लोग अपने टीचर को प्यार करते होंगे। अब इसका मतलब थोड़े कि टीचर के साथ लिबिडो दिखाएंगे, लिबिडो अपोजिट सेक्स पार्टनर में दिखाएंगे, वो भी वहां पे रिलेशन तय कर देगा सोसाइटी। हाँ भाई चलिए आइए, आपका देखा सुनी हो गया, ये आपकी वाइफ आज से, चलो भाई शादी करा दो, डीजे वजे बजा दो थोड़ा सा, तो कुछ लोगों को इसके बर्बादी पर नचा दो, ठीक है, अब आज से दूसरों के बीच में लिबिडो स्टार्ट। ये लिबिडो अलग चीज है, लव अलग चीज है, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल बिहेवियर। अब बात करते हैं मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन में भी आपका अमिगडाला ही काम करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है पता है? एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, हमें ये करके दिखाना है तो दिखाना है एट एनी कॉस्ट, करके दिखाना है, दिखाना है, नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, लाना है, लाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिना मेहनत का ऐसा मोटिवेशन अपने आप पालते रहते हैं। मेहनत कर रहे हैं आप तो आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हम रैंक लाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उस मोटिवेशन का कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो मोटिवेशन के लिए क्या होता है, जब आपको स्टिमुलेट करते हैं बार बार, तो बेसिकली हम आपके हाइपोथैलेमस और अमिगडाला को स्टिमुलेट करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचे। जैसे अभी पेंडेमिक आया, हम सभी टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। हम लोग कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाए थे भाई, पता ही कहा था हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। हम लोग खुद को मोटिवेट किए कि नहीं भाई पढ़ाना तो पड़ेगा, एक चैलेंज पढ़ाएंगे 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 पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ा रहे। जब स्टार्टिंग में बार पता चला कि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा तो डिफिकल्ट टास्क लगा, बाप रे कैसे होगा। फिर स्टूडियो सेटअप किए, वीडियो बनाना स्टार्ट किए, लगा रहे ये तो इजी काम है। अब लाइव आके पढ़ाते हैं, लगता है रे तो वैसे ही जैसे ऑफलाइन में होता, उससे बढ़िया ही है। तो ये चीज मोटिवेशन होनी चाहिए, और ये मोटिवेशन कहाँ से आती है, ये हाइपोथैलेमस और अमिगडाला। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका हाइपोथैलेमस और अमिगडाला आपको मोटिवेट करेगा, और जितना ज्यादा आप निगेटिव थिंकिंग करेंगे उतना ज्यादा। अच्छा थिंकिंग कहाँ से होता है, थिंकिंग मोस्टली होता है यहाँ पे, याद आ रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। फिर हाइपोथैलेमस, ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे
तो हाइपोथैलेमस और अमिगडाला मिलके क्या करेगा, उस पॉजिटिव थिंकिंग को एक अलग ही वे में लेके चला जाएगा। करना है तो करना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो मतलब हारना भी है तो नहीं रुकना है, बताओ, इतना मोटिवेशन। तो ये होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक अलग टाइप का इमोशन है, वो भी इमोशन ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फालतू में मोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं हो रहे तो यू सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट रैंक ले आएंगे, तो फालतूवा मोटिवेशन है उसका, बेवजह मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। पढ़िए लिखिए, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जो पढ़ते लिखते नहीं लेकिन हमेशा बोलते हैं कि सर मुझे तो ऑल इंडिया रैंक वन लाना है। अरे भाई मजाक थोड़ी है यार, ऑल इंडिया रैंक वन मजाक है, पहले गवर्नमेंट सीट कन्फर्म कर लो ना भाई, पहले मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट सीट कन्फर्म कर लो। आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 600 नंबर के आसपास ले लाओ, ओबीसी से आते हो तो 500-600, एससी एसटी से आते हो तो 550, इतना आ रहा है ना, तब आप सोचो कि मुझे ऑल इंडिया रैंक वन लाना है, तब आप सोचने के हकदार हो। फिर जाओ नंबर बढ़ाओ, 650 प्लस करो तब 700 के पास लाओ, तब आएगा नंबर, तब आप मानेंगे कि आप सही दिशा में। नंबर आपका आ रहा है 150, अब मन में पाल के क्या चल रहे हो कि हमें ऑल इंडिया रैंक वन लाना है, ये गलत मोटिवेशन, ये फालतू वाला मोटिवेशन, और फालतू मोटिवेशन कभी यूजफुल नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक पार्ट और बच गया, अब बोलोगे सर इसका काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया, ये दोनों तो डीजेनरेटेड बॉडी है, इसका कोई खास काम आज की डेट में नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन इनको और इनको भी हम लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसका कोई खास काम नहीं, ये तो थोड़ा बहुत ऑल्फेक्शन में काम कर देगा और इसका कोई खास काम नहीं डीजेनरेटेड। अब ये बच गया सर इसका क्या काम है, इसका काम बताइए हिप्पोकैम्पल लोब का, एक बात पता है इसका काम क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, यह काम किसका, हिप्पोकैम्पल लोब का। कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि वो तेज नहीं होते पढ़ने, लेकिन वो चीजों को बार 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 पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हैं कि उसको याद ही हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को एक बार देख लेते हैं उसको बहुत लंबे समय के लिए याद होता है, ये हिप्पोकैम्पल लोब का कमाल। जिसका हिप्पोकैम्पल लोब ज्यादा फंक्शनल है, ज्यादा एक्टिव है, वो चीजों को एक ही बार में सुनेगा और लंबे समय के लिए याद रखेगा। और जिसका ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है हिप्पोकैम्पल लोब, उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके याद होगा। और लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप चीजों को बार बार पढ़ो। तो होता क्या है, जब कोई भी चीज